वेलकम टू माई चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 111111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है और आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग में करंटली क्या चल रहा है आपके लिए और आपके कनेक्शन के लिए। सो ये आपके क्रश, एक्स, करंट पार्टनर, लवर, अनकन्फेस्ड सिचुएशनशिप या फिर हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन, आपके पार्टनर की ही करंट फीलिंग्स हम पूरी तरीके से चेक करेंगे, साथ में चैनल मैसेजेस भी देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं ऑनलाइन, अगर आप टैरो का रीडर बनना चाहते हैं या फिर आपको नॉलेज चाहिए टैरो से रिलेटेड, अगर आपको रेमेडीज चाहिए, एनर्जाइज जेम्स, क्रिस्टल्स चाहिए अपने लाइफ के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी, सारी चीज़ें जो हैं गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। सारे कांटेक्ट डिटेल्स जो हैं दी गई हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स की जो बुकिंग्स हैं वो सारे स्लॉट्स अभी बुक्ड हैं, तो जैसे ही स्लॉट्स खाली होते हैं, जैसे मैं रीओपन करूँगी, मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो मुझे थोड़ा सा वक्त दे, जब तक मैं शुरू कर रही हूँ तब तक आप जो है अपने कनेक्शन पर फोकस बनाएं, अपने कनेक्शन के बारे में सोचें और अपने पर्सन के ऊपर भी फोकस बनाएं ताकि आपको उनके फीलिंग्स पूरी पूरी पता चल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि करेंटली आपके पर्सन आपसे कहीं गुना ज़्यादा फील कर रहे हैं, ठीक है। जितना आपको भी महसूस हो रहा है उनसे रिलेटेड, जितना आप उनके बारे में सोच रहे हो, जितनी आपकी सोचने की या फील करने की इंटेंसिटी है, उससे कहीं गुना इंटेंसिटी के साथ ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है कि जितना आप उन्हें मिस कर रहे हो या याद कर रहे हो, जो भी आपकी एनर्जी है, उसका 4x यानी कि उसका उससे भी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के साथ ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। इंटेंसिटी इस पर्सन की करेंटली बहुत हाई है आपको याद करने की, आपको मिस करने की, और करेंटली यही एनर्जी इनकी चल रही है। हो सकता है ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है पुराने चैट्स पढ़ रहे हैं, बट जो भी चीज़ है, इस पर्सन के इमोशंस करेंटली बहुत ज़्यादा हाई हो रखे हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं अपने अंदर। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि ये पर्सन आपके लिए रोए भी हैं, बिकॉज ये इंसान जो है बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ आपको याद कर रहे हैं। और चांसेस ये भी हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है इस पर्सन के फीलिंग्स के एंड थॉट्स के आपके टूवर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो चुके हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको भी इस पर्सन का नेम दिख रहा होगा या इनसे रिलेटेड कोई मेमोरी आपको याद आ रही है, या फिर आप भी बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हो, इस पर्सन को याद कर रहे हो आप भी, ठीक है, या फिर आपको रोने का मन कर रहा है इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए। तो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ये इंसान भी आपको उसी एनर्जी के साथ याद कर रहे हैं, आपको पाना चाह रहे हैं। तो करंट की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ही ज़्यादा डीप नज़र आ रही है, जहाँ पर जितना आप फील कर रहे हो या सोच पा रहे हो, उससे कहीं गुना ज़्यादा ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंक्लिनेशन इस पर्सन का आपके टूवर्ड्स हो चुका है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनका जो झुकाव है, इनकी इनकी जो इंटरेस्ट है, वो बस आप हैं, ठीक है, आपके तरफ आना चाह रहे हैं ये, ठीक है। और मतलब बस चाह नहीं रहे हैं, बल्कि मुझे लग रहा है कि एफर्ट्स डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको कॉल मैसेज किया है रिसेंटली, या फिर कुछ हिंट आपको ज़रूर दिया है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन डगमगा रहे हैं, डर रहे हैं, मतलब कर नहीं पा रहे हैं बेसिकली, ठीक है, रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं बट समझ भी नहीं आ रहे इन्हें ये कैसे करें, कैसे रीच आउट करें, कैसे कॉल करें, कैसे मैसेज करें। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए और भी फीलिंग्स देखते हैं। मेन फीलिंग्स इस पर्सन की करंटली मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आई, कि मैंने आपको बताया कि जितना आप महसूस कर पा रहे हैं ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा दर्द इस पर्सन को आपके लिए हो रहा है। आई डोंट नो क्यों हो रहा है, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन के साथ आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त।
देखिए, मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ना बर्डन फील कर रहा है, यानी कि ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ना आपको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और ना घुट घुट के जी पा रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी में आ चुके हैं। ठीक है, तो करंटली मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं ये इंसान। इस इंसान को आप अपने अंदर तक रखना अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आपसे दूर रहना, आपसे बात ना करना, आपको ना देखना, आपके बारे में ना जानना, आपके साथ टाइम स्पेंड ना करना, ये पर्सन आप और झेल नहीं पा रहे हैं इन सारी सिचुएशन को। ठीक है, हो सकता है कि आपने ब्लॉक कर रखा है या फिर आपने नंबर डिलीट कर दिया है, तो ये सारी चीज़ों को ये इंसान डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं करेंटली। करेंटली उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया यार कि चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे हो रखी थी अभी भी वैसी है, और कितना टाइम लगेगा और कितने मंथ्स लगेंगे और कितने डेज लगेंगे। ठीक है, तो अगर ब्लॉकिंग वाला सिचुएशन है तो मुझे लगता है कि ये इंसान ने ऑलरेडी आपको अनब्लॉक कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो ये करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं पास्ट को सोचकर कि इन्होंने क्या सोचकर यू नो आपको ब्लॉक किया था, और अब अगर अनब्लॉक करेंगे तो पता नहीं आप कैसा फील करोगे। और बाकी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपने इन्हें अनफॉलो, अनफ्रेंड, या फिर आपने इनका नंबर वगैरह डिलीट कर दिया, और इस पर्सन को सकता है आपकी डीपी वगैरह कुछ शो ही नहीं होती है, तो ये इंसान ना बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते हैं कि ये यू नो हो सकता है कि आपने बहुत मन से इनको ब्लॉक कर रखा है और आप चाहते हो कि ये कुछ इनिशिएट करें, लेकिन ये इंसान मुझे लग रहा है कि थोड़े डरपोक है, यानी कि आपको देख रहे हैं कि आपने तो अभी तक यू नो कुछ भी हिंट नहीं दिया, तो ये समझ नहीं पा रहे कि ये कैसे आपके तरफ आएंगे, कैसे आपको कहेंगे। तो करेंटली मुझे लग रहा है कि इन सारी थॉट्स में ये इंसान ना डूबे हुए हैं, आपके ख्यालों में डूबे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा यू नो दुख में है कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपके कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो चुकी है, थर्ड पार्टी है, ठीक है, अगर सेपरेशन है, या फिर नो कॉन्टैक्ट है, या फिर इस पर्सन ने किसी और के साथ शादी कर ली, इंगेज कर लिया, किसी और को डेट कर रहे हो, तो ये ना खुद पछतावे में है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर ऐसा क्या हो गया, नियति को ये मंजूर क्यों नहीं था हमारा रिश्ता। ठीक है, तो ये सारी जो क्वेश्चन है ये करंटली पर्सन अपने आप से कर रहे हैं, आपसे नहीं करना चाहते हैं, गॉड से कर रहे हैं और अपने आप से भी कर रहे हैं कि ये सब क्यों हुआ और ये अब तक क्यों कंटिन्यू हो रहा है, अब तो इसका एंड हो जाना चाहिए, यानी कि अगर जो एकदम यू नो लैक फेस आ चुका है वो एंड होना चाहिए इस पर्सन को, ऐसा महसूस हो रहा है करेंटली। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि रिसेंटली इस पर्सन ने आपको देखा है, या तो आपने कोई न्यू पिक्चर अपलोड की है, या फिर इन्होंने आपको इन रियल ठीक है देखा है कहीं पर जाते हुए, और उससे ये इंसान और भी ज़्यादा यू नो अट्रैक्ट हो गए हैं। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने क्या मिस कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है, ये आपको खो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रिसेंटली इन्होंने आपको किसी ना किसी तरीके से ज़रूर देखा है, जिसके वजह से इनका जो इंक्लिनेशन है ना आपके तरफ वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे करेंटली बहुत पीक हो रही है कि बस मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने यू नो ये किस चीज़ को मिस आउट कर रहे हैं, यानी कि आपसे बात ना करना, आपके पास ना रहना। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एनर्जी यही आ रही है कि इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन भी इस पर्सन को करेंटली हो रही है ना, कि ये इंसान अपना खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे उस फीलिंग्स को। ठीक है, उन ये जो फीलिंग्स है ना उनको खुद बोझ दे रही है, उनको खुद दर्द दे रही है, तो इसी कश्मकश में ये इंसान फंसे हुए हैं। तो अगर नो कांटेक्ट है गाइस तो बहुत जल्द यहाँ पर कांटेक्ट तो होगा ही होगा। ठीक है, मुझे लगता है आज के अंदर भी, मुझे लगता है या तो आपने बात किया हुआ है ऑलरेडी सुबह को, हो सकता है बात आपने किया है, चैट किया है, मुझे एनर्जी स्पीक हो रही है, या फिर उन्होंने मुझे लगता है नॉर्मल मैसेज इन्होंने किया है। ठीक है, जो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज होते हैं, व्हाट्सअप वाला नहीं, जो नॉर्मल होता है, जो कि ऐसे ही भेजा जा सकता है वो वाला मैसेज, या फिर बहुत जल्द करेंगे, मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। और मुझे यहाँ पर वो भी एनर्जीज आ रही है कि अगर आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशंस हुई हैं तो हो सकता है इस पर्सन के पास रिकॉर्डिंग्स हैं, या फिर इस पर्सन के पास चैट्स हैं, और उन सारे चैट्स को, स्क्रीनशॉट्स को, या फिर रिकॉर्डिंग्स को ये इंसान बार बार सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें और भी ज़्यादा यू नो आपके टूवर्ड्स जो भी इनकी फीलिंग्स थी पहले की, या जो इमोशंस थे, जो प्रोमिसेस थे, जो मेमोरीज थे ना, वो बहुत ज़्यादा यू नो सरफेस लेवल पर आ रही है, और इन्हें बार बार वो चीज़ सता रही है, याद भी आ रही है और सता भी रही है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन जो है ना करेंटली चल रहे हैं। ओके, और मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बिकॉज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। भले आप टैरो रीडिंग देखते हो, भले हो सकता है कि आप यू नो प्रेडिक्शंस करते हो, लेकिन आपको फिर भी एक यू नो दिलासा नहीं होता है कि ये इंसान मेरे लिए ऐसा भी सोच सकता है या ऐसा भी सोच सकती है, क्या ये सच में मेरे लिए फील करता है या करती है। तो ये पर्सन सही में फील करते हैं, लेकिन ये इंसान साइलेंट है। ये इंसान जब आपसे अगर बात करने भी आएंगे तो ये इंसान आपको उस चीज़ को फील करवाएंगे नहीं कि ये तड़प रहे थे आपके बगैर, या आपके तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए, या फिर यू नो आपको याद कर रहे हैं दुख से। ये बहुत कैजुअली बिहेव करेंगे, जैसे कुछ हुआ नहीं था, या फिर हुआ था तो बहुत यू नो स्ट्रांग तरीके से आपके सामने आएंगे। ठीक है कि चलो झगड़ा ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, वगैरह वगैरह, लेकिन जो दिल के इमोशंस हैं, जो इमोशनल फीलिंग्स हैं, वो ये इंसान आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी इस पर्सन के साथ मिलने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान वापस तो आ गए, लेकिन
इमोशनल फील क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे आपको लगेगी बिकॉज ये इंसान एक्सप्रेस आपको करना ही नहीं चाहते उस वजह से जिस वजह से ये इंसान गुजर रहे हैं सही में। तब ये उनकी हो सकता है कि बिहेवियर हो, उनकी ऐसी लाइफ हो, ठीक है, या फिर किसी रीज़न से हो सकता है ये इंसान एक्सप्रेस नहीं करना चाहते अपने अपने वीकर साइड को शो नहीं करना चाहते, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको कई गुना ज़्यादा, आपसे भी कई गुना ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपको पाना चाह रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो चांसेस हैं कि ये भी टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते हों, ठीक है, या फिर ये कोई ज़रिया ढूंढते हों। अगर म्यूचुअल वगैरह कोई नहीं है आप दोनों के बीच में, तो आपको जानने की या फिर आपके बारे में पता लगाने की कोशिशें ज़रूर करते हैं कि पता नहीं क्या चल रहा है उनके लाइफ में। और मुझे लगता है कि ये इंसान आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है, या फिर उन्होंने रिसेंटली आपको देखा है कहीं पर, या रियलिटी में हो सकता है, लाइव वीडियोज़ में हो सकता है, व्लॉग्स वगैरह बनाते हो तो उसमें हो सकता है, इंस्टा रील्स वगैरह पोस्ट करते उसमें हो सकता है, FB पेज पे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही है गाइस। सो मुझे लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं बिकॉज आपके जो पर्सन है वो आपको इसी एनर्जी से याद कर रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आप भी अगर इनसे सच्चा प्यार करते हो तो आप उनकी एनर्जीज़ को रिसीव कर पाओगे, चाहे आप इनसे कितना भी दूर क्यों ना रहो, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए आप हो सकते हैं सुबह से ही बहुत लो एंड बहुत वीक फील कर रहे हो, आप इस पर्सन को सडनली हो सकते हैं बहुत मिस कर रहे हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस सा फील हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर। आपको बात करने की चाहत हो रही है बट आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सेम केस मुझे लग रहा है बेबसी जो मैं कह सकती हूँ वो आपके पर्सन की करेंटली चल रही है। बिकॉज बहुत लोग लिए तो मुझे लगता है कॉन्टैक्ट हुआ है, बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कॉन्टैक्ट ये जल्द करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए, कुछ परसेंटेज के लिए, जैसे कि 10% के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ऐसे हैं ना, खुद को बेबस फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अगर एक कदम उठाकर आपको टेक्स्ट या कॉल कर लिया तो उनसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, बहुत बड़ा नाश हो जाएगा। तो ऐसी वाली फीलिंग में ये रहते हैं जिसके वजह से आप तो आगे बढ़ते ही नहीं हो और ये भी नहीं बढ़ते, ये भी सोच में रह जाते हैं, ये भी फील करते रह जाते हैं। सेम यही केस है, ठीक है, यही एनर्जी है जो कि पुल बैक कर लेती है इनके इमोशंस को आपके तरफ जाने से या फिर आपको एक्सप्रेस करने से। तो ये मेन जो है इशू है, और इस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत एक्सट्रीम 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 लेवल पर ये इंसान आपको याद करे, लेट मी टेल यू, बहुत ही ज़्यादा। कुछ कुछ लोगों में से आपके पर्सन ने रोया भी है आपके लिए, ठीक है, कुछ कुछ पर्सन आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, मेमोरीज को सोचे जा रहे हैं, चैट्स देखे जा रहे हैं, पिक्चर्स देखे जा रहे हैं, वीडियोज़ देखे जा रहे हैं। तो ऐसी वाली स्थिति में है जहाँ पर कहीं और इनका फोकस करने का मन ही नहीं कर रहा, अपने काम पे, फैमिली, फ्रेंड, जो भी है, अगर कहीं और फंसे हैं, लाइक थर्ड पार्टी है, जैसे कि मैरिड है या इंगेजमेंट कर ली या किसी और को डेट कर रहे हो, किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए हैं करंटली, उनके साथ भी खुश नहीं है, उनके साथ तो वो फोकस कर ही नहीं पा रहे, नाम के बस रिलेशनशिप में है, नाम के ही डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन असली दिल जो है वो तो आपके पास है, असली जो इमोशंस है वो तो आपके पास है, ठीक है, बस नाम के लिए, काम के लिए ही हो सकता है वो डेट कर रहे हो किसी को, रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, ठीक है, लेकिन जो सच्चा प्यार है वो आप हैं, ऐसी वाली सिचुएशन है कुछ लोगों के। और अगर ये सिंगल है एंड मैरिड है तब तो मुझे लग रहा है कि ये बात भी नहीं कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से, या फिर डे टू डे लाइफ में अगर ये गॉसिप करते हैं, फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये नहीं कर रहे हैं, अपने रूम में ही हैं, अपने रूम में अपने लाइफ के बारे में सोचे जा रहे हैं, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, बस ये दो काम ये कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और इनको कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, एकदम खालीपन सा फील कर रहे हैं आपके बगैर। तो करंटली इस सिचुएशन में ये इंसान जा रहे हैं। चलिए इसको मैं मेल्ट होने दूंगी पूरी तरीके से, इसे मैं बुझाऊंगी नहीं, तो इसे मैं साइड में कर देती हूँ, फिर हम देख लेते हैं चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो चलिए इसे मैं साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स सी आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं और भी उनके मैसेजेस। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हे बेब, यू आर सो अट्रैक्टिव, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। डेफिनेटली मैंने आपको बताया रिसेंटली, हो सकते हैं उन्होंने आपको पिक्चर में देखा है या रिसेंटली किसी न्यू पोस्ट पे या फिर कहीं पर सही में आपको इन रियल देखा है और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं, और उसके बाद से ये बस आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, आपकी ब्यूटी के बारे में ही सोचे जा रहे हैं। ओके, ऐसी वाली एनर्जीज हैं यहाँ पर। देन वी हैव आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो, आई लव यू एंड आई विल गेन पेशेंस टू अचीव यू। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बस आपको चाहते हैं, अगर आप मिल गए तो सब मिल गया, ऐसी वाली फीलिंग में है ये इंसान। आपको बताना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये चाहते हैं कि रिश्ता खत्म ना हो बल्कि और भी ज़्यादा आगे बढ़े, और ये पेशेंस भी रख रहे हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि आपसे दूर नहीं गए हैं, बस आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ दूर हो चुका है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है।
देन वी हैव प्लीज़ टॉक टू मी, आई नो दैट यू वॉन्ट दैट टू. येस डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन अगर बातचीत बंद है बिल्कुल, अगर ये इन्होंने मैसेज कॉल नहीं किया है, तो ये इंसान खुद हिचकिचा रहे हैं, ठीक है. मतलब डर लगता है इनको पहले से आकर टेक्स्ट करना, कॉल करना. क्या होगा अगर आपने इग्नोर कर दिया तो, ठीक है. तो ऐसे वाले एनर्जी में है और उनको ऐसा लगता है कि आप एक मैसेज या कॉल बस कर दो इन्हें, फिर तो ये मतलब यू नो सोने पे सुहागा हो जाएगा. बट ऐसा मत करना अगर यू नो आपने बहुत कर लिया है तो, ठीक है. सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है लाइफ में. एंड देन वी हैव, क्या हम मिलके लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं? आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद यू. डेफिनेटली ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं. इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप लोग मिल क्यों नहीं पा रहे हो, पता नहीं क्यों आप दोनों यू नो क्वालिटी टाइम क्यों नहीं बिता पा रहे हो, एक प्राइवेट लाइफ क्यों नहीं जी पा रहे हो साथ में. तो इनको ना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों करीब हो जाओगे और टाइम स्पेंड थोड़ा बहुत करोगे तो सब कुछ बहुत ईजी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगा. आई एम कमिंग बैक, विल यू एक्सेप्ट मी नाउ प्लीज़. तो ये इंसान आपके पास वापस आना ही चाहते हैं, बस एक कन्फर्मेशन चाहते हैं कि इनको कहीं से कन्फर्मेशन मिल जाए कि अगर ये आते हैं तो आप उन्हें अपना ही लोगे. तो वो कन्फर्मेशन इनको क्लियरली नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है अभी तक रुके हुए हैं. बिकॉज मुझे लगता है कि ये इंसान जो है ना रिजेक्शन नहीं फेस करना चाहते, ठीक है, और ना इन्फीरियर फील करना चाहते हैं. तो ये एक मेन इशू है. एंड देन वी हैव, लेट्स स्टार्ट अगेन, फॉरगेटिंग द पास्ट, न्यू ईयर्स न्यू एक्सपीरियंसेस. तो फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से आपको डेट करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि अगर आप लोग मैरिड थे बट सेपरेटेड हो चुके हो तो फिर से शादी करना चाहते हैं, या फिर से यू नो न्यू ब्राइड एंड ग्रूम की तरफ फील करवाना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि कुछ नया बिगनिंग हो जहाँ पे पास्ट की चीज़ों को पूरी तरीके से पास्ट में रखा जाए. एंड देन वी हैव, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ हैप्पी फ्यूचर फॉर अस, विल यू होल्ड माई हैंड फॉर एवर. तो इस पर्सन को ये भी अभी भी कन्फर्मेशन नहीं है कि आप इन्हें अभी भी चाहते हो या नहीं चाहते हो, या फिर आप इनसे यू नो उब चुके हो और आप बस किसी और के साथ कनेक्शन शुरू करना चाहते हो. तो ये बस आपके साथ एक हैप्पी फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं और ये अभी बस एक कन्फर्मेशन का वेट कर रहे हैं कि कहीं से इनको बस पता चले कि आप अभी भी इनका इंतजार कर रहे हो या आप इन्हें अभी भी चाहते हो, ठीक है. तो ये जो है ना एफर्ट डालना शुरू कर देंगे. लेकिन अगर मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि अगर आपने यू नो खुद से हिंट दिया या खुद से कॉल मैसेज कर लिया या खुद से यू नो अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस की, तब ये जो है ना इनके भाव बढ़ जाएंगे. ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली नजर आ रही है. सो जस्ट वेट एंड लेट्स सी कि क्या यहाँ पर होता है. बट ये पर्सन आपके पास तो जरूर आने वाले हैं, तो आपको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए. यू नो जितना स्पेस दोगे उतना मुझे लगता है चीज़ें अनफोल्ड होंगी नेचुरली. सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आएगा. पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज. तब तक के लिए बाय बाय.